हाथ धो गया क्या होगा सर दोस्त पार्टियां बदल गई, मुख्यमंत्री जी वहीं के वहीं रहे। क्या इस पे जो अब तक ये जो घटना घटित हुआ है इस पे अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया, जबकि आए दिन अगर देखा जाए पिछले 3 माह के अंतर्गत में तो कई जगह पत्रकारों का हत्या कर दिया गया है और सरकार के तरफ से एक भी ऐसा इस पे जवाब नहीं दिया गया है। इस पे सर आपका क्या कहना है? दुख की बात यह है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः शपथ लेने का उन्होंने काम किया था। 9 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और उनके शपथ लेते ही 10 तारीख को ये घटना घटी। ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का खेल खेलने में इतने व्यस्त हैं कि प्रदेश में अपराध किस चरम सीमा पर गया है, भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर जा चुका है, इसकी चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को सिर्फ कहा नहीं जाता है। जब जब सरकारें भ्रष्ट हुई हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने ही उसे उजागर किया है। जब जब सरकारें कमजोर हुई हैं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ ने ही उन सरकारों की पोल खोलने का काम किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, और मुख्यमंत्री हैं मैं इस नाते ही सिर्फ उनको संबोधित नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। पिछले 2 दशक से वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं। 2 दशकों में प्रदेश में अपराध बढ़ा या नियंत्रित हुआ ये जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री की है गृह मंत्री होने के नाते। आज जब अपराध इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर है, अपराधियों में जिस तरीके से निर्भयता के साथ वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि भैया कानून का खौफ अपराधियों में अब रहा नहीं। दिन दहाड़े अगर एक पत्रकार की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाए तो आम नागरिक के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये सिर्फ जमुई ज़िले के एक पत्रकार की बात नहीं है, प्रदेश भर में निरंतरता में इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट किलिंग हो रही है। कुछ जाति कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार हैं, जिसमें व्यापारी हैं और जिसमें समाज के हाशिए पे रहे हुए वंचित समाज के लोग हैं। इन लोगों को चुन चुन कर टारगेट करके मारा जा रहा है। और दुख की बात यह है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा है। आज इस घटना के 14 दिन के बाद, और ऐसा नहीं है कि आज जाकर मैं पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस घटना की जानकारी दूंगा, इससे पहले 10 तारीख को जब ये घटना घटी थी हमारे पार्टी के तमाम साथी तुरंत तत्काल उस दिन भी आए थे, ज्योतिषी वगैरह, उसके बाद पार्टी का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल आया था और इन्होंने आकर मुझे जानकारी इस विषय की दी थी। उस दिन मेरी बात भी यहाँ से हुई थी, उस दिन इन्होंने पूरी जानकारी दी थी और उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और DGP महोदय के संज्ञान में ये पूरी घटना मैंने दी। आज पुनः इस घटना का विस्तृत तौर पर उनकी बिटिया के माध्यम से भी लिखित रूप में कई बातें मेरे संज्ञान में दी गई हैं। उन तमाम बातों को आधार बनाकर पुनः मैं मुख्यमंत्री और DGP साहब के संज्ञान में मैं दूंगा। पर अफसोस इस बात का है, चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन की उदासीनता इन विषयों को लेकर दिखती है, ऐसा लगता नहीं है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहेंगे तो प्रदेश में किसी को न्याय मिलेगा, क्योंकि इतिहास इसी ओर दर्शाता है। आज तक बिहार में बड़ी से बड़ी घटनाएं घटी हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं जो आप मीडिया के साथियों ने उनको सुर्खियों में भी लाए, पर किसी को आज तक न्याय मिला नहीं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कन्विक्शन रेट अगर आप देखें तो मात्र 6-7% है। देश भर में बाकी जगहों पर आप कन्विक्शन रेट देखें तो 90% से ज़्यादा है, मतलब अगर 100 क्राइम हुए तो 90% से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सज़ा मिलती है। बिहार में मात्र 6-7% है, मतलब 100 क्राइम हुए तो 6-7 लोगों की अगर गिरफ्तारी हुई तो हुई, और वो भी आगे सज़ा मिलेगी कि नहीं या जानकारी या तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाएगा वो अलग बात बनती है। ऐसे में मुझे शक है इस बात का
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण, शासन प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को मिलता है, तो जब तक मुख्यमंत्री जी का संरक्षण अपराधियों को मिलेगा, प्रदेश में न्याय की उम्मीद कोई बिहारी कैसे रखे, ये बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। सर, ऐसा भी देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जैसे देश के पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो इस चौथे स्तंभ के हर एक ईंट को खसकाया जा रहा है और नींव को कमजोर किया जा रहा है बिहार में, ताकि इस पे बोलने वाला क्राइम करने के बाद बोलने का कोई हिम्मत न कर सके, ऐसा नहीं देखा जा रहा है इस पे? प्रयास तो यही हो रहा है भाई, जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, प्रयास तो यही है कि उन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए जो सच्चाई के लिए, न्याय के लिए जो लोग खड़े होते हैं। ताज्जुब की बात यह होती है कि भैया इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ, अभी मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, जो आई विटनेसेस हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको तो कम से कम सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। जब परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो संभवतः परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी ये घटना घट सकती है। जो आई विटनेसेस हैं, जो हिम्मत करके गवाही देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है। तो परिवार को अभी तक क्यों नहीं सुरक्षा मुहैया कराई गई? यहाँ पे पेट्रोलिंग तक की व्यवस्था नहीं की गई है पुलिस के द्वारा। एसपी साहब से मैंने आज बात की है, उन्होंने विश्वास तो दिलाया कि आज वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम प्रशासन इन विषयों को गंभीरता से ले। सर, एक सवाल और मेरा है कि जैसा कहा जा रहा है बिहार में कुछ माह पहले से चिराग मॉडल का, जो कि तमाम बिहार में चिराग मॉडल की एक चर्चा है, जोड़ों पे है, और तमाम लोगों के अंदर ये आशाए भी बढ़कर उभर कर सामने आ रही है चिराग मॉडल का, तो क्या यह है, तो क्या यहाँ पे वो चिराग जलेगा और उस चिराग में ये जो जितने तमाम जो क्राइम करने वाले व्यक्ति हैं उस चिराग में जलकर खाक होंगे, ये कहना तमाम लोगों के। ये जिस दिन चिराग मॉडल धरातल पर उतर गया, मैं आप लोगों को विश्वास ही नहीं वादा करके जाता हूं, क्राइम अपराध जिस कदर जिस हद तक नियंत्रित होगा, वो अपेक्षा कभी बिहार या बिहारियों ने की नहीं होगी। चिराग मॉडल जिसको हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं, उसमें किस तरीके से अपराध को नियंत्रित किया जाए, भाई आज डेंसिटी आप देखिए बिहारियों की, पॉपुलेशन देखिए, और पॉपुलेशन के हिसाब से सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति आप देखिए, जितनी अपेक्षा है या जितनी जरूरत है उसके बनिस्पत जो सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं वो ना के बराबर है, और इन भर्तियों को पूरा किया नहीं जाता, उनको बैकलॉग में रखा जाता है। ये तमाम कारण है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। भाई आप चौकीदारों से आप ऐसी ऐसी ड्यूटीज करवाते हैं जिनके लिए वो बने ही नहीं है, परिणाम स्वरूप चौकीदारों की हत्या यहाँ पर हो रही है। तो भैया क्यों नहीं आप भर्ती करते हैं जिन जिन विभागों में नियुक्तियों